हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर के बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े और साथ में होंगी मसाला मिर्ची। तो चलिए पहले इन्हें बना लेते हैं क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ बेसन लेंगे। जितने पकोड़े आपको बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप बेसन ले लीजिएगा। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ी सी मैं यहाँ हींग लूँगी और थोड़ी सी यहाँ अजवाइन लूँगी। और इसको पानी मिलाकर एक बिल्कुल बढ़िया सा हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पतला यदि ज़्यादा हो गया तो जब कढ़ाई में आप पकोड़ा छोड़ेंगे तो वहाँ छोटी छोटी जो बूंदी पकोड़े में से निकल के पूरा घी आपका गंदा कर देती हैं। और यदि गाढ़ा हो गया तो फिर आपका पकोड़ा उतना बढ़िया नहीं बनेगा, क्योंकि बेसन ही बेसन का टेस्ट आएगा। तो इसलिए सबसे मेन जो है इसमें बेसन का जो हम बैटर तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है और आप देख सकते हो किस तरह की ये कंसिस्टेंसी है इसकी, ये देखिएगा। इसे अब हम साइड में रख लेते हैं। यहाँ मैंने पनीर लिया है, कुछ ब्रेड की स्लाइस ली हैं। ब्रेड को हम चार हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक ब्रेड के हमें चार पीस करने हैं। आप चाहो तो जो साइड वाला पोर्शन है इसको आप हटा सकते हो, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता है तो मैं इसलिए ब्राउन वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं हटाती हूँ। बहुत कम चांस होते हैं जब मैं हटाती हूँ, तो इसके मैंने चार पीस कर लिए हैं। अब जितना साइज हमारी ब्रेड का है उस साइज की हमें ये पनीर के पीस कर लेने हैं। ना छोटे करने हैं ना बड़े करने हैं, आप कोशिश कीजिए कि जितनी साइज हमारी ब्रेड के पीस की है उतने ही साइज का ये कट हो जाए। यदि थोड़ा छोटा बड़ा हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इस तरीके से हम सारे सेट कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा छिड़केंगे हम यहाँ चाट मसाला। यहाँ मैं MDH का चाट मसाला लूँगी। यदि आपको और भी ज़्यादा तीखा कोई मसाला पसंद है तो वो आप ले सकते हैं। यहाँ हम आलू वगैरह का कुछ यूज़ नहीं करेंगे, खाली पनीर से ही बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होंगे। इसके ऊपर स्लाइस लगा देंगे, एक एक पीस यहाँ मैं इस पर सेट कर देती हूँ। इसके ऊपर फिर से हम मसाला छिड़केंगे और दूसरी स्लाइस इसके ऊपर सेट कर देते हैं। आप चाहो तो यदि आपको चटनी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो धनिया की बहुत तीखी सी आप चटनी तैयार कीजिए और इसके ऊपर मसाले की जगह चटनी भी लगा सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ टूथपिक का मैं यूज़ इसलिए कर रही हूँ, यदि आपको तीनों पीस इकट्ठा बेसन में लपेट के कढ़ाई तक पहुँचाने में प्रॉब्लम होती है तो आप टूथपिक का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको टूथपिक की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जैसे मैं आपको बताती हूँ आप उस तरीके से पकौड़ा बनाएंगे तो बहुत इजी तरीके से ये बनके तैयार हो जाएगा। फिर इसको पनीर का पीस रखने के बाद हम दोबारा से यहाँ मसाला छिड़केंगे और मसाला लगाने के बाद इस पे दूसरा ब्रेड का स्लाइस सेट कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये मैं सारे पहले सेट कर लेती हूँ। जब ये सारे सेट हो जाएं तो इसे साइड में रख लेते हैं। और अब मैंने हरी मिर्चों में कट लगाकर इसमें आम के अचार का मसाला भर लिया है। आप चाहो तो हींग का अचार भी भर सकते हो, जो भी आपको मसाला पसंद है इसमें भर सकते हो। आप चाहो तो आम के अचार की जो फांक होती है उसको पतले पतले स्लाइस में काटिए और मिर्च में भर सकते हैं और इसे सुनहरा होने तक हम फ्राई करेंगे। ये मिर्ची खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। यदि आप मसाले की मिर्ची नहीं बनाते हो तो अचार का मसाला कोई भी भर के इस तरीके से फ्राई करके खाइए, खाने में बहुत ही ये टेस्टी लगती हैं। ये देखिए इस तरीके से आप बिना टूथपिक के यदि
इसमें कवर करके छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हो। यदि ज़रा भी प्रॉब्लम हो तो आप टूथपिक का यूज़ कर सकते हो। वैसे ये बहुत ही इजी तरीका है। तीनों पीस आप आराम से पकड़िए और बेसन में डिप करके इसे इस तरीके से कढ़ाई में छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बिल्कुल सुनहरा होने तक इसे फ्राई कर लीजिएगा। बिल्कुल सुनहरा होने तक ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसमें हमने कोई आलू वगैरह का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये अपने में बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। ख़ास तौर से जब ये पकोड़ा बनाएं तो ये मिर्ची ज़रूर साथ में बनाइएगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। ये इस तरीके से हम अपने सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से एकदम ये सिक्के तैयार हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा तेल भी बिल्कुल साफ़ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसन की इसमें बूंदी आ गई हैं, क्योंकि हमारा बेसन बहुत ही परफेक्ट फैटा गया था। और अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन कट करके जब चीज़ हमें देखने में अच्छी लगेगी तो खाने में उससे ज़्यादा कहीं स्वादिष्ट लगेगी। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं। तो पहले हम अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये आ गई हमारी मसाला वाली मिर्चें, तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे धनिये की चटनी या सॉस के साथ आप सर्व कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी है। मेन है इसका साइज़ मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। ये देखिए, यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इन मिर्चों के साथ इस पकौड़े का ज़रूर आनंद लीजिएगा। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।